1/1/2023. Today we are going to learn useful verbs which are not normal verbs, which are abnormal. We are not using this type of words in our day-to-day life. First one, adorn. Adorn means shangarvu. और हिंदी में इसको बोल सकते हैं सजाना. aspire, aspire means महेच्छा राखवी. महेच्छा राखवी यानी किसी भी चीज की हमें बहुत ज्यादा इच्छा होती है, हमें वो पाना ही होता है, उसको हम बोल सकते हैं aspire. उसके बाद है assemble, assemble. assemble means भेगू करो यानी कि इकट्ठा करना. उसके बाद है एस्योर, assure. एश्योर, एश्योर यानी खातरी आपवी. खातरी आपवी यानी कुछ किसी भी चीज के लिए हमने उसको कहा होगा कि हम ये करेंगे ही, तो उसको हम एश्योर बोलेंगे. उसके बाद आता है एस्टोनिश. एस्टोनिश यानी चकित करू. और ये वी वन वर्ब है, इसका अगर हमें वी टू और वी थ्री बनाना है तो उसके लिए हम करेंगे एडोन का एडोन हो जाएगा, adorned. ये इसका वी टू है. और वी थ्री, वी थ्री भी एडोन का वही होगा, adorned. फिर एस्पायर, एस्पायर का भी सिर्फ उसमें डी लगेगा क्योंकि पीछे एस्पायर के पीछे ई ऑलरेडी है. उसके भी कुछ रूल है, किसके पीछे हमें डी लगाना है और किसके पीछे हमें ईडी लगाना है, वो सब रूल्स दूसरे वीडियो में आ जाएगा. सो आप वहां से वो सब सीख सकोगे. एसेम्बल, एसेम्बल का होता है एसेम्बल्ड, assembled. आफ्टर दैट एश्योर, एश्योर का भी वही होता है, उसमें भी सिर्फ डी लगेगा, assured. assured. एस्टोनिश, एस्टोनिश में पीछे एसएच है, सो एसएच, सीएच, डबल एस ऐसा कुछ भी होता है तब उसके पीछे ईडी लगता है, astonished. आफ्टर दैट अटेन, अटेन का मीनिंग होता है प्राप्त करवू. प्राप्त करवू यानी कि कुछ पाना. इसके पीछे भी सिर्फ ईडी लगेगा, attained, attained. उसके बाद बी से स्टार्ट करते हैं, baffle. बेफल, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेफल. बेफल यानी गुचवू, गुजराती में एने कहवाई गुचवू, यानी कि अगर हम किसी भी चीज में ज्यादा परेशान होते हैं और वो एकदम वो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको बेफल बोलते हैं. और उसका वी टू एंड वी थ्री है baffled, एंड वी थ्री भी वही है. ज्यादातर वी टू होता है वही वी थ्री होता है, बट कोई कोई वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें
जो वी टू है और वी थ्री दोनों अलग होते हैं, उसका थोड़ा डिफरेंस होता है स्पेलिंग में। आफ्टर दैट बेक, बी ए के ई, बेक यानी गुजराती में यानी कहवाई सेकवू। बेक का वी टू एंड वी थ्री है बी ए के ई डी। सेकवू यानी कि कुछ हम पकाते हैं, रोटी पकाते हैं या कुछ और, उसको बेक बोलते हैं। आफ्टर दैट बेनिश, बी ए एन आई एस एच, बेनिश। बेनिश यानी देश निकाल कर वो। इसका वी टू एंड वी थ्री में पीछे एस एच है, इसलिए बी ए एन आई एस एच ई डी। राइट। आफ्टर दैट बास्क, बी ए एस के, बास्क एटले तड़को खाओ। ठंड में जब भी ज्यादा ठंडी लगती है तब हम जैसे धूप में जाते हैं धूप लेने के लिए, तो उसको बास्क बोलते हैं। उसका वी टू एंड वी थ्री बी ए एस के ई डी। बेट बी ए टी। बेट, बेट एटले बेट वडे रमवू। और बेट का जो वी टू एंड वी थ्री होता है तब उसमें डबल टी हो जाता है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, बी ए डबल टी ई डी।